Assalamu alaikum. Hi, this is Fiza Qasim from Edfolio International Education Counselors. So I am here to discuss about UK today. Like UK में किस किस type की degrees होती हैं और आप किन way out के through जा सकते हो UK? फाउंडेशन ईयर पहला प्रोग्राम है. फाउंडेशन ईयर के बाद होता है डायरेक्ट बैचलर्स. बैचलर्स के बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आपकी डिग्रीज आती हैं, तो टॉपअप प्रोग्राम आ जाता है या फिर आपका प्री मास्टर्स आ जाता है जो कि आपको लीडिंग टू मास्टर्स की डिग्री होती है. और इसके अलावा आपका होता है मास्टर्स प्रोग्राम. अब ये कितने कितने ड्यूरेशंस के होते हैं. फाउंडेशन ईयर एक साल का होता है, ठीक है. बैचलर्स होता है यूके में 3 ईयर्स का. इसके अलावा अगर मैं टॉपअप की बात करूँ तो टॉपअप प्रोग्राम कहलाता है जो यूके में बैचलर्स का 3rd ईयर होता है. जो आपका 3rd ईयर कहलाता है वो आपका टॉपअप प्रोग्राम भी कहलाता है. और प्री मास्टर्स क्या होता है, मास्टर्स से पहले अगर इन केस आपकी परसेंटेज कम है तो उससे पहले आपको प्री मास्टर्स के पाथवे के थ्रू जाना होता है. प्री मास्टर्स 6 मंथ्स का भी होता है और इसके अलावा पूरे 1 साल की ड्यूरेशन का भी होता है. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट फाउंडेशन ईयर कि फाउंडेशन ईयर बेसिकली है क्या. फाउंडेशन ईयर आपका कब, आप कब कर सकते हो. अगर कोई स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज मैट्रिक में 60% है तो वो डायरेक्टली 1 साल के फाउंडेशन ईयर पर यूके जा सकता है. अब फाउंडेशन ईयर अगर वो 1 साल के लिए जाएगा तो उसको 3 साल का मिल जाएगा वहाँ पे बैचलर्स. तो आपकी डिग्री कितने साल की हुई, 4 ईयर्स की आपकी हो गई फाउंडेशन ईयर के बाद आपकी डिग्री, जो कि फाउंडेशन ईयर प्लस बैचलर्स हो जाएगा. उसके बाद आप चाहो तो अपना वर्क परमिट ऑप्ट कर लो. अच्छा, अगर आपने ओ लेवल्स किया है और आपके ग्रेड्स जो वहाँ पे मेंशन है, अगर आपके ग्रेड वही आ जाते हैं, आपने 5 सब्जेक्ट्स उठाए हुए और उसमें ग्रेड्स आपके अच्छे आ जाते हैं जो कि इक्विवेलेंट टू 60% तक की परसेंटेज आपकी बन जाती है, तो देन आप यूके के फाउंडेशन ईयर को ऑप्ट कर सकते हो, जो कि आप 1 साल का ऑप्ट करोगे और वही 3 ईयर्स का बैचलर्स आपका कंटिन्यू हो जाएगा. अब बात करते हैं अगर किसी पर स्टूडेंट ने अपना यहाँ से किया हुआ है, मैट्रिक भी किया हुआ है और आगे इंटर भी किया हुआ है. बट इंटर में होता ये मोस्टली पाकिस्तानी बच्चों की होता क्या है कि आपकी जो परसेंटेज होती है वो परसेंटेज आपकी बनती नहीं है 70% या 75%, तो आपकी कम ही आ रही होती है. तो अगर आपकी परसेंटेज 69 है या 68% भी है तो आपको जाना पड़ेगा फाउंडेशन या लीडिंग टू बैचलर्स डिग्री की तरफ. तो आप यूके इस तरीके से जा सकते हो कि आप 1 साल का फाउंडेशन ईयर ऑप्ट करो और 3 साल का बैचलर्स ऑप्ट करो, तो आप इस तरीके से जा सकते हो. अदरवाइज अगर आपकी इंटर में परसेंटेज 70 से अबव है तो हम डायरेक्टली भी बैचलर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, जो कि 3 ईयर्स का होगा यूके में. अच्छा, अब मैं अगर डिस्कस करूं बैचलर्स के लिए यहाँ पर, तो बैचलर्स पर स्टूडेंट डायरेक्टली कैसे जा सकते हैं. अगर आपकी परसेंटेज इंटरमीडिएट में 70 से अबव है तो आप डायरेक्टली बैचलर्स के लिए एलिजिबल हो, जो कि 3 ईयर्स का है यूके में. बट अगर आपने इंटर तो किया हुआ है और आपकी इंटर की जो परसेंटेज है वो 75, 79 या 80% तक है, मतलब आप जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी कर रहे हो, बट इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट होती है. और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट अगर आपके आइल्स में स्कोर्स कम है, फॉर सपोज जो डायरेक्ट बैचलर्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की होती है कि 6 ओवरऑल हों आपके और 5.5 इन ईच मॉड्यूल में हो. बट अगर आपके किसी में लो आ जाते हैं, फॉर सपोज आपके 5.5 ओवरऑल बन गए और किसी में आपका 4.5 आ गया, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं. और वो ऑप्शन क्या है, वो कहलाता है इंटरनेशनल ईयर 1. वो होता तो यूके में बैचलर्स का 1st ईयर ही है, बट उसे नाम दे दिया गया है इंटरनेशनल ईयर 1 का. उसके थ्रू आप जा सकते हो कि आप उसमें इनरोल्ड हो गए और 2 साल का फिर आपने अपना आगे बैचलर्स कंटिन्यू कर लिया, जो कि बैचलर्स ही होगा. अगर मैं इसके अलावा बात करूं कि कोई स्टूडेंट जिसने पाकिस्तान से 2 ईयर्स की डिग्री की हुई है, जैसे BCom हो गया, BSc है, BA है या एसोसिएट डिग्रीज अभी होने लगी हैं पाकिस्तान में, आपने वो डिग्री की हुई है और आप जाना चाह रहे हो यूके, तो आपको कितनी एग्जेम्पशन मिल सकती है. अब एग्जेम्पशन की जहाँ बात आती है तो वहाँ आपकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट भी मैटर करती है. फॉर सपोज आपने BCom किया है और आपकी परसेंटेज है 55% से अबव, 55 आपकी परसेंटेज बन रही है और आप जाना चाह रहे हो यूके, तो आपके लिए हम प्री मास्टर्स को भी देख सकते हैं, हम टॉपअप के लिए भी ट्राई कर सकते हैं. बट एट दी एंड हम ट्राई करेंगे, यूनिवर्सिटी विल डिसाइड कि आप किस में एलिजिबल हो. आप इंटरनेशनल ईयर 1 के लिए हो, इंटरनेशनल ईयर 2 जो कि बैचलर्स का 2nd ईयर है उसके लिए हो, या डायरेक्ट टॉपअप प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो. अच्छा, एज़ वी वर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ईयर 1, इंटरनेशनल ईयर 2 और टॉपअप डिग्री प्रोग्राम, मैं इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करना चाहूँगी. फॉर सपोज आपने BCom किया है, लेकिन आपने BCom किया है 2018 में,
ठीक है, और आप जाना चाह रहे हो यूके, तो आपकी एज मैटर करेगी कि आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज 22 है तो आप डायरेक्ट बैचलर्स पे जा सकते हो, अदरवाइज हमें देखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, इवेल्यूएशन के बाद पता चलता है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। अब मैं अगर बात करूँ टॉपअप से रिलेटेड, तो टॉपअप ईयर होता है एक साल का, लाइक आप एक साल यूके में पढ़ते हो टॉपअप, जो कि यूके में थर्ड ईयर होता है। अब उस टॉपअप प्रोग्राम के बाद आप चाहो तो दो साल का वर्क परमिट ऑप्ट कर लो, आप चाहो तो वहाँ पर मास्टर्स लाइक स्टार्ट कर लो, क्योंकि जो वर्क परमिट आपको मिलता है वो एक ही बार मिलता है। अब वो वर्क परमिट आपको कब मिलता है, आप वो चाहे तो बैचलर्स के बाद ऑप्ट कर लो, आप वो चाहो तो वो मास्टर्स के बाद ऑप्ट कर लो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो अब हम बात करते हैं प्री मास्टर्स प्रोग्राम्स की। प्री मास्टर्स प्रोग्राम, मास्टर्स से पहले आपको प्री मास्टर्स का एक शॉर्ट प्रोग्राम होता है। अब वो आपको क्यों करना पड़ जाता है, फॉर सपोज आपकी जो डिग्री है, आपने एसोसिएट डिग्री की और उसमें जो आपकी जीपीए थी वो जीपीए कम थी, लाइक 55% थी या 55 से अबव थी, बट यूनिवर्सिटी जो रिक्वायर कर रही है वो कह रही है कि आपकी जो जीपीए होनी चाहिए वो एटलीस्ट 2.6 हो, 2.7 हो, तो आपको प्री मास्टर्स के थ्रू आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो। प्री मास्टर्स 6 महीने के भी होते हैं, प्री मास्टर्स 1 साल के भी होते हैं, ठीक है। बिजनेस पर भी आपको मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग की फील्ड्स पर भी आपको मिल जाएंगे, इसके थ्रू आप यूके जा सकते हो। लाइक आपको जो वीज़ा मिलेगा पाकिस्तान से, अगर वो 6 महीने का एक्स्ट्रा है यहाँ से, तो आपको 6 महीने का ये वीज़ा और 1 साल का आपका हो गया जो आपका मास्टर्स का वीज़ा होगा। अब अगर मैं बात करूँ मास्टर्स से रिलेटेड, तो मास्टर्स 1 साल का होता है यूके में, यूजुअली 1 ही साल का होता है। 1 साल के मास्टर्स के ऊपर आपको मिल जाता है 2 साल का वर्क परमिट। अच्छा, अब जो 1 साल का मास्टर्स है, आप लाइक अगर किसी को ये हो कि नहीं मुझे तो एक्स्ट्रा वीज़ा पाकिस्तान से चाहिए, तो फिर आप ये करें कि आप प्लेसमेंट ईयर के ऑप्शन पे चले जाएं। हर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट ईयर नहीं देती, लाइक हर कोर्स में भी नहीं अवेलेबल होता, बट प्लेसमेंट ईयर होता क्या है, आपको पाकिस्तान से एक्स्ट्रा ईयर मिल जाता है जिसकी आप यूनिवर्सिटी को फ़ीस तो पे करते हो, बट उसमें आपकी स्टडीज़ नहीं होती, लाइक पढ़ाई नहीं होती उसमें, उसमें यूनिवर्सिटी आपको प्लेस करवाती है पेड इंटर्नशिप्स के लिए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप जाना चाहो यूके को, आप लोग देख रहे हो यूके जाना चाह रहे हो, तो 1 साल का मास्टर्स, 1 साल का उसके बाद प्लेसमेंट ईयर ले लो, और उसके बाद 2 साल का आपका हो जाएगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। ओके, सो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं, अब जो कुछ चीज़ें रह गई हैं मैं उन्हें जल्दी जल्दी वाइंड अप करूँगी आपको बताकर, लाइक होता क्या है, अगर फॉर सपोज़ आप यूके जाना चाह रहे हो, यूके में आइल्स के अलावा कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्टेड हैं उनके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। यूके में आइल्स आप कर सकते हो, आइल्स आप दे सकते हो कैडेमिक, इसके अलावा टॉफिल भी एक्सेप्टेड है, पीटी भी आप कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड टेस्ट भी एक्सेप्टेड है, बट ये जो टेस्ट मैं आपसे बता रही हूँ ऐसा नहीं है ये हर यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड है, आइल्स है जो कि लाइक ओवरऑल यूके में एक्सेप्टेड है, बट आप ये जो टेस्ट है अगर ये करना चाह रहे हो और जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हो वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि आपने यूके वीआई आइल्स दिया हुआ है, बट यूके वीआई आइल्स के अंदर आपके स्कोर थोड़े से कम है, फॉर सपोज यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है 6.5 ओवरऑल और 6 इन ईच, आपने यूके वीआई आइल्स दिया और उसमें आपके किसी में बैंड्स कम आ गए, लाइक किसी एक में बैंड अगर कम आ गया, तो आप किस तरीके से जा सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ आपको प्री सेशनल ऑफर कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्री सेशनल के कोर्सेज दे देती हैं, वो होते हैं 6 वीक्स के या 12 वीक्स के, उनकी एक्स्ट्रा फीसेज होती हैं, उसके थ्रू आप जा सकते हो कि आप पहले वो कवर करोगे, उसके बाद देन आपका मास्टर्स होगा। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स लाइक जिन्होंने अभी आइल्स नहीं दिया हुआ वो क्या कर सकते हैं, वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। यूके में होता ही है, 2 तरह के ऑफ़र लेटर्स होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। आपने यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स भेज दिया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पर आपने अप्लाई करवा लिया यूके, अब यूके से आपका कंडीशनल ऑफ़र आने में ही टाइम पीरियड जो लगता है वो लाइक अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ 45 वर्किंग डेज, विच इज़ लाइक 2 और 2.5 मंथ्स के टाइम आपका लग जाता है। तो जब तक आपका ऑफ़र लेटर आपको रिसीव होता है तब तक आप अपना आइल्स करके रख सकते हो या जो भी टेस्ट आप देना चाह रहे हो, ताकि आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ सके। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड चीज़ ये कि आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हो, वो स्टूडेंट्स जो कि देखना ही चाह रहे हैं कि वो आइल्स से घबराते हैं या कोई भी टेस्ट नहीं देना चाह रहे, तो वो यूनिवर्सिटीज़, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आपको 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जो अपना टेस्ट कंडक्ट करती हैं। अपना टेस्ट कंडक्ट करने का मतलब ये है कि आप यूनिवर्सिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हो, पहली चीज़। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपने दिया एंड देन उसके बाद यूनिवर्सिटी ने आपको रिजल्ट दिया और साथ में अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी दे दिया, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ उस टेस्ट के चार्जेस भी आपसे लेती हैं, £50 चार्ज कर लेती हैं या £60 चार्ज कर लेती हैं, और उसके बाद आप वो टेस्ट देकर भी जा सकते हो।
अब इनटेक्स की अगर मैं बात करूँ कि यूके में कितने मेजर इनटेक्स हैं, इनटेक मेजर दो ही हैं, सितंबर और जनवरी। अच्छा, इसके अलावा मई में भी स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, जून में भी जा रहे होते हैं, बट सितंबर इनटेक को मेजर इसलिए कहा गया है कि उसमें ऑलमोस्ट तकरीबन हर यूनिवर्सिटी की लाइक डेडलाइंस नहीं निकली होती, आप ओपन होते हैं इनटेक्स, आप अप्लाई करवा सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, अनलिमिटेड प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप वही चीज़ जनवरी पर जाकर देखो तो जहाँ आपको सितंबर में 10 ऑप्शंस मिल रहे होंगे, वहाँ जनवरी में आपको 5 ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसी तरीके से मई में उतने ही कम ऑप्शंस मिलेंगे। तो एज सून एज पॉसिबल आप लोग अप्लाई करवाएं, डॉक्यूमेंट्स असेसमेंट के लिए दो आप अप्लाई करवाओ। थैंक यू।